स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो साथ ही मेरे दूसरे स्टूडेंट भाकुनी जी जो हमें आगे का रास्ता पार करवाएंगे हनुमान धाम जाने के लिए। तो हनुमान धाम हमें ये लेके जाएंगे, बजरंग बली के भक्त ये भी है और मैं भी, हम सभी हैं। तो भाकुनी जी मज़ा आ जाना चाहिए ड्राइविंग में, इनकी तरह मार मत खाना इस भाई की तरह, ठीक है? चलो, तो सब कुछ ये नियम से कर रहे हैं, बिल्कुल नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको शीशे को ऊपर करना है, नीचे करना है, हल्का सा ऊपर है, ठीक है? जो जैसा कि मैंने इनको सिखाया है, देखो गाड़ी में बैठते क्या क्या करना चाहिए, वही नियम इन्होंने किया है। जिसको नहीं आता है वो चीज़ मैं वीडियो जो बना रखी है मैंने कि गाड़ी के अंदर बैठते क्या करना चाहिए, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो ध्यान से याद करना। तो मैं आपको एक चीज़ टास्क दूंगा, वरना आपकी तरफ से आज पार्टी हो जाएगी। हाँ या ना पहले बताओ। हाँ, अगर वो पूरा हुआ तो मैं दूंगा। मैं पहले ही समझ गया। समझ गए? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। आपने पूरा हो गया, पास कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर भैया की तरफ से पार्टी सर। नहीं किया तो आप दोगे ना? कर दिया तो मैं दूंगा। ठीक है, डन कर दूं? ओके बोलो पहले। ओके, तो बीच में जो ये रोड स्टार्ट आएंगे ना, ये इन पे आपका टायर नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, तो ये ध्यान देना, समझ गए? और ये नहीं कि हमने पहले दूसरे गियर में चलना है। हाँ दोस्तों, हम बिराज पहुंच चुके हैं रामनगर में। ऐसा लग रहा है काफ़ी पानी आ गया है, पहाड़ों में काफ़ी बारिश हुई है इस वजह से, और पहाड़ी पेंगुइन भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन है नहीं पहाड़ी पेंगुइन, हमने देखी थी मैं वीडियो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। काफ़ी वीडियो मैंने बना दिया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ देखने को भी मिला है। हमने फिलहाल यहाँ से लेफ्ट जाना है, अगर हम राइट गए तो फिर हम रामनगर की तरफ भी एंट्री करेंगे, लेकिन हमने यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट जाने के लिए जो जो इन्होंने नियम का पालन किया बहुत अच्छा किया फिलहाल। और ये देखो टच टच आ गए, टेर आ गए, देखो रोड स्टार्ट में टेर आ गए भैया। अब बताओ क्या करा जाए? हाँ वो बीच वाला था ना सर, तो बचाना चाहिए था उसको, बचता वो पूरा, माफ किया जाए, रोड के बीच में थे। चलो क्या, तो माफ कर दिया जाए। चलो माफ कर दिया इनको भाई मैंने एक बार, अब नेक्स्ट बार देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल भाई साहब के दो बार जो है टायर आ चुका है, लेकिन दोनों बार मैंने माफ कर दिया, पता नहीं लगा है। अरे सही खेल के गुरु, ये सब लोग एक हो गए क्योंकि इनकी भी बारी आएगी ना धीरे धीरे करके, तो साथ देंगे क्यों, तो साथ तो देना ही है, मैं बेचारा अकेला, मेरा साथ कौन देगा? तो आज भाई की तरफ से जरूर पार्टी होगी, नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरे से लें, लेकिन जीतने के बाद। हाँ तो टायर बिल्कुल ना है, फिर मत कहना कि मेरा ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, अब कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा, चाहे बीच में आए चाहे दाएं में आए। अब मैं वीडियो बंद ही नहीं करूंगा इस चक्कर में लो। चलो भाई चलते जाओ। तो दोस्तों देखो इनका रोड स्टार्ट में टायर आने वाला है बहुत जल्द, हम अभी आपको बता देते हैं कि कहाँ आएगा। आएगा? नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है फिर तो, और अगर हम वो शॉर्ट रास्ते जो मैंने बोला था तो हम यहाँ पर आ जाते उस रास्ते से निकल के। देखो बच्चों टायर आएगा नहीं आएगा बताना, आया नहीं आया, आया ना आया। देखो फिर देखो, आया नहीं आया बताओ, तो ये शर्त हार चुके। ये देखो फिर आ गया भैया, ओहो। तो आज इनकी तरफ से जो भी पार्टी होगी एक्स वाई जेड, हमारा कोई ऐसा डिपेंड नहीं रहेगा कि आप हमें 1000 रुपये की, 2000 की, 20000 की, हमें 1 रुपये की टॉफी भी खिला दोगे हम उसमें भी खुश रहेंगे। तो जो ये भी पार्टी करवाएंगे एक्स वाई जेड, जय हो भोलेनाथ जी, गुलसित का मंदिर ऊपर है, तो जो भी ये पार्टी कराएंगे हम उसमें खुशी खुशी ले लेंगे, ठीक है? ठीक एज यू विश, जो आपका मन करे वो करा देना, मेरे मन से पूछोगे तो महंगे बैठ जाओगे। आराम से चलना, हमने ज्यादा तेज नहीं, अगर कोई सीख रहा है जैसे सामने ट्रेनिंग स्कूली कार चल रही है ना, तो कभी भी सीखने वालों को होपलेस नहीं हो, तो हॉर्न वॉरन ना बजाएं, ठीक है? ये ध्यान देना, किसी भी गाड़ी में एल लिखा हो आपको लग रहा है कि वो सीख रहा है ना, तो दूर होकर के सावधानी पूर्वक चल रहे, क्योंकि वो स्टीयरिंग दायम है, कहीं भी कर सकता है, क्योंकि अभी न्यू है बंदा हो, ठीक है? तो श्री हनुमान धाम जाने के लिए हम छोई पहुँच चुके हैं, यहाँ से राइट जाना है हमने, और 1.5 किलोमीटर में हनुमान धाम मंदिर है, यहीं से राइट इंडिकेटर दो, और पीछे देखो मिरर में कोई आ तो नहीं रहा है, फिलहाल मिरर में कोई नहीं है, चलते रहो, और ब्रेक पे पैर रखना, यहाँ देखो कोई आ तो नहीं रहा है, आराम से गाड़ी को मोड़ना, ठीक है? क्लच का है दबा रखा भाई है? क्यों? चलो ये आज पहली बार ही हनुमान धाम जा रहे हैं भाकुनी जी, और इन्हीं की बदौलत मैं आज आया भी हूँ। वैसे तो मैं अक्सर आया करता हूँ, लेकिन आज जो आने का विशेष कार्य रहा इन्हीं का ही योगदान है, कि उन्होंने कहा कि भैया हनुमान धाम चलते हैं, मैंने कहा चलिए, हम मना नहीं करते हैं, हमने यहाँ से राइट जाना है, ठीक है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर राइट चलना है हमने, श्री हनुमान धाम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। चलिए हनुमान धाम। जैसे कि दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, और
क्या ही बताऊँ, बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। जय श्री राम। मजा आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं बिल्कुल। जी महाराज के और काफ़ी मन को शांति मिली है, क्यों भाई लोगों है नी। और भागनी जी तो बड़ी स्पीड में चल रहे हैं आगे, पता नहीं कहाँ की चलती होती है। दिल खुश हो गया आज सबका, बहुत अच्छा लगा श्री हनुमान धाम मंदिर में। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ आकर का तो बहुत मज़ा आता है, मन प्रसन्न, मन को शांति इतनी मिलती है कि मैं बता नहीं सकता। मैं बार बार ज़्यादातर मैं आते ही रहता हूँ, तो आप सबसे भी कहूँगा कि आइए रामनगर में, श्री हनुमान धाम मंदिर नज़दीक ही है। भाई साहब इन लोगों का देखो, हो ओ उस भाई का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा अभी सेल्फी पॉइंट। हम सब घूम घाम कर जाते हैं, वो बंदा लेट ही आता है। जय भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और अगर चैनल नेट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है बी के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बालाजी महाराज की जय।